बच्चों मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर। सर अजो कंपाउंड में क्या फंक्शनल ग्रुप होता है, कोई बताएगा मुझे? यस देखो, फंक्शनल ग्रुप का चार्ट दिया था ना मैंने तुम लोगों को, एन डबल बॉन्ड एन। बिल्कुल सही, एन डबल बॉन्ड एन जो होता है ये फंक्शनल ग्रुप होता है अजो कंपाउंड में। बच्चों तुम लोग को मैं बता दूं, नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के पास हर वक्त एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम लोग ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है? और ये जो फ्री बॉन्ड है वो आर ग्रुप से लगा है, तो इसमें सिस ट्रांस सिन एंटी पहचाना बहुत बहुत ही आसान है। अगर तुम लोग के दोनों अल्काइल ग्रुप या फिर दोनों लोन पेयर सेम साइड में है, देन इट इज सिन। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप या फिर दोनों लोन पेयर अपोजिट साइड में है, देन इट इज एंटी। आसान है कि नहीं है? तुम लोग लोन पेयर देख के बता सकते हो, अगर लोन पेयर नहीं शो किया है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप शो किया है, तो वो भी देख के बता सकते हो कि सिन है कि एंटी है। आसान है कि नहीं है, बताओ। हाँ सर। एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं, एक एग्जाम्पल देखोगे तो और आसान लगेगा। एग्जाम्पल देखना, जैसे कि एन है डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे मैं CH3 लगा दिया हूँ, यहाँ पे मैं C2H5 लगा दिया हूँ, और ये हो गया लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर। बताओ कौन सा फॉर्म है ये? सिन सिन। सिन सिन और अगर एन डबल बॉन्ड एन, यस एन डबल बॉन्ड एन है, और अपोजिट साइड में लगा दूं मैं, पहले एंटी 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 लगा तो दूं, फिर अब बन गया एंटी, ठीक है? चल तो ये हो जाता है बच्चों सिन एंटी आइसोमर, ठीक है? अजो कंपाउंड में तो बहुत ही आसान है देखने के लिए, लोन पेयर के हिसाब से भी तुम लोग देख के बता सकते हो, या फिर तुम लोग अल्काइल ग्रुप के हिसाब से भी। अल्काइल ग्रुप का सेम होना जरूरी नहीं है बच्चों, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स हैं अगर ऑपोजिट साइड में, तो फिर भी तुम लोग सिन एंटी बता सकते हो। तो आसान था, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म समझ में आ गया बच्चों। तीन तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा हमने, एक पढ़ा सिस ट्रांस, एक पढ़ा EZ, और एक पढ़ा हमने सिन एंटी, ठीक है? यहाँ पे हो जाता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खत्म, और एक लास्ट आइसोमेरिज्म है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, विच इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान से समझना बच्चों, इसमें बहुत पेशेंस की जरूरत है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बच्चों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझने के लिए हमको कुछ और चीजों का बारे में पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों को पता होना चाहिए लाइट क्या होता है, ये ऑर्डिनरी लाइट क्या होती है। बच्चों तुम लोग अभी बैठे हो घरों में, तो तुम लोग घर में जरूर लाइट चल रही होगी, तो जब लाइट जल रही है, जो लाइट से रोशनी आ रही है, वो लाइट एक्चुअली है क्या, ये समझते हैं पहले, फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। ऑर्डिनरी लाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? ये जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, व्हाइट लाइट, अगर मैं इसको प्रिज्म से पास करूंगा तो क्या होगा, बताओ जरा? अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो क्या होता सेवन है? सेवन कलर्स में स्प्लिट हो जाएगा, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसको विजिबल स्पेक्ट्रम मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो व्हाइट लाइट है बच्चों, एक तरह के रेस से नहीं बना हुआ है, ये अलग अलग तरह के रेस से बना हुआ है, अलग अलग वेवलेंथ के रेस से बना हुआ है। तो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है वो अलग अलग वेव से बने हुए, अलग अलग वेवलेंथ के वेव से बनी हुई रहती है, अलग अलग वेव वेवलेंथ के वेव से कंपोज्ड होती है। और मेरे को एक बात बताओ बच्चों, ये ऑर्डिनरी लाइट जो तुम लोग घर में जला रहे हो, लाइट या फिर बल्ब जो भी जलता है हमारे घरों में, क्या वो एक ही डायरेक्शन में रोशनी देता है क्या, कि सब प्लेन में रोशनी देता है? सब प्लेन में कितने प्लेन में रोशनी देता है बताओ जरा? कितने कितने प्लेन में वाइब्रेट करते हैं लाइट, कितने डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं लाइट? तो बच्चों ऐसा सवाल कोई पूछे तो तुम लोग को बताना चाहिए इनफाइनाइट प्लेन में, ऐसा कोई जो डिफाइंड प्लेन थोड़ा है, जहां पे भी लाइट को रोशनी मिलती है सब जगह पे, जहां पे भी लाइट ट्रैवल कर सकता है सभी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा।
तो ऑर्डिनरी लाइट जो होती है, यहाँ पे दो बातें समझ में आ जाती हैं। एक तो ऑर्डिनरी लाइट जो है वो एक वेव, एक टाइप के वेव से नहीं बना हुआ है, बहुत सारे अलग अलग तरह के वेव से बना हुआ है, अलग अलग वेवलेंथ वाले वेव से बना हुआ है। और ये लाइट जो है वो एक डिरेक्शन में नहीं जा रहा है, वो इनफाइनाइट प्लेन में, ऑल पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को? अ लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ वाइब्रेटिंग इन कितना प्लेन बच्चों बताओ? वाइब्रेटिंग इन इनफाइनाइट प्लेन वाइब्रेटिंग इन इनफाइनाइट प्लेन, और यू कैन राइट ऑल पॉसिबल कितने प्लेन पॉसिबल है? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है, ऑल पॉसिबल प्लेन हर डिरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, सच अ लाइट कॉल्ड, ठीक है, लाइट कंज्यूम इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लाइट। समझ में आ गया बच्चों ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है? बताओ बच्चों ऑर्डिनरी लाइट कितने बच्चों को समझ में आ गया? हाथ रेस करके बताया जरा, बहुत जरूरी है ऑर्डिनरी लाइट समझना। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? तो एक वैसी लाइट जिसके अंदर अलग अलग वेवलेंथ के वेव्स हैं और हर डिरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, वैसे लाइट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। यस, सभी को समझ में आ गई ये बात? 13 बच्चों के हाथ देख पा रहा हूं मैं। यस सर। चलो बढ़िया, बाकी के बच्चों को भी आई होप समझ में आ गया। नहीं समझ आया तो बोलो, अभी बता दूंगा बच्चों मैं। लेकिन अगर ये नहीं समझा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कभी नहीं समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि एक लाइट जो होता है उसमें अलग अलग तरह के वेवलेंथ के वेव्स होते हैं जो हर पॉसिबल डिरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे ही एक और लाइट होता है ऑर्डिनरी लाइट। ध्यान से सुनना, वापिस से रिपीट करता हूँ। तो एक लाइट जो होता है ना व्हाइट लाइट, नहीं रमीज मैं तेरे को सुन नहीं पा रहा हूं, कुछ डाउट है तो मुझको टाइप कर दे अगर तेरा आवाज नहीं आ रहा मुझे तो। मैंने तुझे म्यूट भी नहीं किया है शायद। ठीक है, चलो बच्चों एक ऑर्डिनरी लाइट जो होता है ऐसी लाइट होती है जिस जो अलग अलग वेवलेंथ के वेव से बनी हुई रहती है। इसके लिए तो इसको अगर तुम लोग प्रिज्म से पास करते हो तो 7 अलग अलग कलर के बना देती है। अलग अलग कलर बच्चों अलग अलग वेवलेंथ को करस्पॉन्ड करता है। तो व्हाइट लाइट को प्रिज्म में पास करते हो, जो न्यूटन का क्लासिकल प्रिज्म एक्सपेरिमेंट है। न्यूटन प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से हमको क्या पता चलता है कि एक जो ऑर्डिनरी लाइट होती है वो अलग अलग वेवलेंथ की, एक व्हाइट लाइट जो होती है वो अलग अलग वेवलेंथ के वेव को मिला के बनती है। ठीक है, इसके लिए व्हाइट लाइट को अगर तुम लोग प्रिज्म से पास करोगे तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाता है। तो ऑर्डिनरी लाइट जो होता है वो एक ऐसी लाइट होती है जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट से बनी हुई रहती है, और ये लाइट जो होते हैं हर डिरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं और अपनी रोशनी फैलाते हैं। क्या बात समझ में आ गई ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है? यस यस, वही रेनबो कलर। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है सभी को समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बच्चों एक और लाइट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, मोनोक्रोमैटिक लाइट जो होता है ऐसी लाइट होती है बच्चों जो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट से नहीं बना है, एक ही वेवलेंथ की लाइट से बना है लेकिन वाइब्रेट हर डिरेक्शन में कर रहा है। जैसे कि बच्चों एक कलर की कोई भी लाइट देख लो, जैसे कि नाइट बल्ब वगैरह जो होते हैं, जो रेड कलर का लाइट या फिर सिर्फ ग्रीन कलर का लाइट एमिट हो रहा है, तो जिसमें से सिर्फ एक ही कलर का लाइट एमिट होता है, एक ही वेवलेंथ का लाइट एमिट होता है, उस तरह के लाइट को हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक लाइट। मोनो मतलब सिंगल और क्रोमिज्म मतलब, क्रोमैटिक वर्ड आता है क्रोमिज्म से, मतलब वेवलेंथ। ठीक है, और कलर, कलर और वेवलेंथ कलर होता है या फिर वेवलेंथ होता है।
नहीं लेजर लाइट नहीं होता, मोनोक्रोमेटिक लाइट, नाइट बल्ब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, ये हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं हितेश, ठीक है। मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो होते हैं वो एक ही कलर दे, एक ही कलर के लाइट होते हैं, अलग अलग कलर में स्प्लिट नहीं होंगे, लेकिन हर डायरेक्शन में वाइब्रेट होंगे। लेजर लाइट तो तेरा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करता है ना, है कि नहीं? तो मोनोक्रोमेटिक लाइट को कैसे डिफाइन करेगा तू? अ लाइट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन, कंसिस्ट ऑफ वेव्स ऑफ सिंगल वेवलेंथ, वेव ऑफ सिंगल वेवलेंथ, vibrating in all possible plane, vibrating in all possible plane. क्या समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों ordinary light और plane polarized light के बारे में? Sorry, ordinary light और monochromatic light के बारे में? सर monochromatic light बात से explain करो ना। Monochromatic light वो होते हैं जो single color के होते हैं, white light नहीं, कोई भी एक color पकड़ लो तुम, green, red, blue, तुम्हारे मनपसंद का, ठीक है। तो जो वो सिंगल कलर वाले लाइट होते हैं उसके अंदर सिर्फ एक ही वेवलेंथ का रोशनी निकलता है, ठीक है, एक ही वेवलेंथ के वेव्स होते हैं, लेकिन हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, तभी तो उसका सिंगल कलर है कि नहीं खुशी? सही बात है, yes, ठीक है। तो उसको मोनोक्रोमैटिक लाइट बोलते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। yes. इसी तरह से एक और लाइट होता है बच्चों, थर्ड टाइप का लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। ये वो लाइट होते हैं बच्चों जो एक वेवलेंथ के भी हो सकते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के भी हो सकते हैं। वेवलेंथ इज नॉट एन इश्यू, बट द पॉइंट इज यहाँ पे सारे प्लेन पोलराइज लाइट जो होते हैं सारे एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं। हितेश अब तू एग्जांपल बता सकता है अपना, जैसे हितेश बोल रहा था लेजर लाइट, बट लेजर लाइट इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन पोलराइज लाइट। लेजर लाइट का फुल फॉर्म होता है बच्चों लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, लेजर का फुल फॉर्म हो जाता है LASER, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का फुल फॉर्म हो जाता है, ठीक है। लेजर लाइट एम्पलीफाइड लाइट होते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट एम्पलीफाइड लाइट नहीं होते, नॉर्मल लाइट होता है, लेकिन सारे लाइट एक ही डिरेक्शन में मूव करेंगे, मतलब इनकी रोशनी सिर्फ एक ही डिरेक्शन में ट्रेवल करेगी, just like laser but they are not laser, ठीक है। तो a light consist of which, a light which may consist of waves of one or more wavelength, एक भी हो सकते हैं, अलग अलग wavelength वाले भी waves हो सकते हैं, wavelength अपना concern नहीं है बच्चों, लेकिन अपना कंसर्न है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, बट वाइब्रेटिंग इन ओनली वन पॉसिबल प्लेन, सारे एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, तो उस तरह के लाइट को पॉसिबल प्लेन, तो उस तरह के लाइट को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट। समझ में आ रही है बात? स्ट्रीट लाइट तो मेरे को लगता है सृष्टि वो फैलता है, स्ट्रीट लाइट तो मेरे को नहीं लगता वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करता है, स्ट्रीट लाइट तो मेरे को लगता है रोशनी पूरे रेंज में फैलाता है, ठीक है। ऊपर वो कवर लगा देते हैं इसके लिए ऊपर के साइड में नहीं जाता, नीचे की तरफ ही। सर तो स्ट्रीट लाइट तो फिर मोनोक्रोमैटिक लाइट हो सकती है ना, जैसा जो ऑरेंजेस, ऑरेंज लाइट वगैरह रहती है ना। हाँ ऑरेंज है तो वो फिर मोनोक्रोमैटिक है, अगर एक ही कलर दिख रहा है तो ना, स्ट्रीट लाइट तो व्हाइट लाइट भी होती है, तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक जब स्ट्रीट लाइट बोल रहा हो। तो possible plane is called plane polarized light. ये पूरा मैं definition complete कर दूं। तीन तरह की light समझ में आ गई बच्चों। ordinary light को symbolize कैसे करते पता है? ordinary light का symbol ऐसा होता है बच्चों। chemistry में जब तुम लोग ordinary light को पढ़ते हो तो उसका symbol ऐसा होता है। एक मिनट आ, ये होता है ऑर्डिनरी लाइट का सिंबल। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ ऑर्डिनरी लाइट का सिंबल बच्चों? क्योंकि ये जो लाइट है वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, तो ये एरो का हेड ऑल पॉसिबल प्लेन्स बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है।
आई मीन प्लेन पोलराइज लाइट हम लोग नॉर्मली यूज नहीं करते, इसका कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन नहीं है प्लेन पोलराइज लाइट. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे मेरे को अलग अलग एग्जाम्पल बता रहे हैं प्लेन पोलराइज लाइट का. डिस्को लाइट नहीं आता बच्चों, ऑपरेशन थिएटर में भी लाइट स्प्रेड होता है, ऐसा नहीं कि फोकस हो एक ही जगह पे, ठीक है. तो हमारे नॉर्मली लाइट होते हैं बच्चों जो ऑपरेशन थिएटर और डिस्को लाइट्स, डिस्को लाइट्स में मे भी अगर एक ही कलर का है तो वो मोनोक्रोमेटिक लाइट्स हो सकते हैं, ठीक है. टॉर्च, टॉर्च भी फैलता है यार, कहाँ पे टॉर्च का एग्जांपल दे रहे हो. प्लेन तो एग्जांपल हो रहा सर समझने के लिए. प्लेन पोलराइज लाइट का कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं. वी यूजुअली यूज दोज लाइट जो फैले, एक ही डायरेक्शन में यूज करने वाला हम लोग लाइट नहीं यूज करते. लेजर लाइट प्लेन पोलराइज लाइट सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है. बेसिकली तुम लोग को याद रखना है बच्चों, जो तुम लोग का नॉर्मल लाइट होता है वो हर पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है ना. अगर प्लेन पोलराइज लाइट तुम लोग जलाओगे तो वो सिर्फ एक ही प्लेन में सारे वाइब्रेट करेंगे, एक ही डायरेक्शन में. क्या बात समझ में आ रही है सभी को? लेजर लाइट जो है वो एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट होता है. एम्पलीफाइड मतलब उसकी इंटेंसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है हमने, तो इसके लिए बहुत इंटेंस लाइट दिखता है वो. समझ में आ रही है बात? यस, गो ऑन एवरीवन. तो लेजर लाइट जो है बच्चों वो प्लेन पोलराइज लाइट का एम्पलीफाइड वर्जन होता है, ठीक है. जब लाइट को मैं एम्पलीफाई कर देता हूँ स्टिम्युलेटेड रेडिएशन से, तो उस तरह के लाइट को हम लोग लेजर लाइट. तो इन अ वे यू कैन से दैट लेजर लाइट्स आर, आई मीन प्लेन पोलराइज लाइट्स आर माइल्डर वर्जन ऑफ लेजर लाइट, वैसे बोल सकते हो तुम लोग. माइल्डर वर्जन होते हैं, तो इतने इंटेंस नहीं होते हैं, नॉर्मल लाइट होते हैं, ठीक है. तो प्लेन पोलराइज लाइट को मोनोक्रोमैटिक लाइट का कोई सिंबल नहीं होता बच्चों. मोनोक्रोमैटिक को भी तुम लोग सेम ऑर्डिनरी लाइट के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो क्योंकि उसमें भी सारे पॉसिबल प्लेन में वाइब्रेशन हो रहा है. प्लेन पोलराइज लाइट को कैसे सिंबलाइज करते हैं? तो बच्चों इसको डेजिग्नेट करते हैं प्लेन पोलराइज लाइट को हम लोग इस तरीके से, ठीक है. तुम जरूरी नहीं कि वर्टिकल एरोज ही बनाओ तुम लोग, तुम लोग कोई भी डायरेक्शन में बना सकते हो. बट द ओनली थिंग इज किसी भी डायरेक्शन में बना रहे हो, सारे लाइट जो है, सारे रेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए. क्या बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर. तो यस सर, ऐसे वर्टिकली जरूरी नहीं है, हॉरिजॉन्टल बना लो, तुम लोग को वर्टिकल पसंद नहीं है बनाना तो, लेकिन सारे एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है. ऐसा जो नहीं कि सिर्फ चार ही एरो रहे, ये सारी चीजें इतनी मैंडेटरी नहीं है बच्चों. नंबर ऑफ एरोस कम ज्यादा हो सकते हैं, मैं चार बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को छोटा सा ही बनाना था. ऐसे दिखाते हैं, और थोड़ा गंदा बन गया ये. एक मिनट, यार समझ लो तुम लोग बार बार खराब बन रहे हैं. चलो मैं ऐसे ही बना के छोड़ रहा हूँ. तो प्लेन पोलराइज लाइट कुछ इस तरीके से दिखता है बच्चों, मतलब सारे रेज जो है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, ठीक है. ऐसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली तुम लोग कैसे भी बना सकते हो. लेजर लाइट इज एग्जाम्पल ऑफ विच लाइट? इट इज मैग्निफाइड वर्जन और एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. मृन्मयी को समझ में आ गया एग्जाम्पल लेजर लाइट क्या होता है. लेजर लाइट पहली बात तो ये नेचुरल लाइट नहीं है, वेर एज प्लेन पोलराइज लाइट इज नेचुरल लाइट, ठीक है. लेजर लाइट हम लोग आर्टिफिशियली जनरेट करते हैं. लेजर लाइट को हम लोग ऐसे सब्सटेंसेस इस तरह से ऐसे कंडीशंस में डालते हैं कि लाइट एम्पलीफाई होता है और इंटेंस बीम जनरेट कर देता है. क्या बात समझ में आ रही है सभी को? द पॉइंट इज प्लेन पोलराइज लाइट मिलेगा कैसे, ठीक है. प्लेन पोलराइज लाइट को जनरेट करने के लिए बच्चों तुम लोगों को एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ता है. हाउ टू गेट प्लेन पोलराइज लाइट, हाउ टू गेट प्लेन पोलराइज लाइट, इस सवाल का जवाब देता हूं बच्चों मैं तुम लोगों को. इसको अगर तुम लोग चाहते हो ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो बच्चों. ऑर्डिनरी लाइट से ही प्लेन पोलराइज लाइट बनता है.
कैसे लेकिन बनता है वो देखना। देर इज एन इंस्ट्रूमेंट, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको यूज करना पड़ता है ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए। एक सेकेंड, ठीक है। वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दो ट्रायंगुलर प्रिज्म को जोड़ के बनता है। एक ट्रायंगुलर प्रिज्म दिख रहा है बच्चों स्क्रीन पे सभी को, और एक और ट्रायंगुलर प्रिज्म, जस्ट अ मिनट, एक मिनट बच्चों, जोड़ रहा हूं मैं प्रिज्म को। ये प्रिज्म हिल नहीं रहा, दिख रहा है सभी को दो ट्रायंगुलर प्रिज्म यहाँ पे? यस सर। तुम लोग दो ट्रायंगुलर प्रिज्म को जोड़ दोगे। ये ट्रायंगुलर प्रिज्म बच्चों ऐसे वैसे मटेरियल के नहीं बने रहते, स्पेशल टाइप के कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए रहते हैं। स्पेशल कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसको बोलते हैं कैल्साइट। कैल्साइट क्रिस्टल से बना हुआ रहता है बच्चों ये प्रिज्म। ये प्रिज्म को लेना है बच्चों, दो ट्रायंगुलर प्रिज्म को लेना है और दोनों को जोड़ देना है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लू। एक स्पेशल ग्लू से जोड़ देना है इसको। इस ग्लू को बोलते हैं हम लोग, इस ग्लू का नाम है कनाडा बालसम। कनाडा बालसम ग्लू से चिपका देना है। तो जो प्रिज्म बन के तैयार होगा, ये जो प्रिज्म तुम लोगों ने अब बना दिया है, ये कन्वर्ट कर सकता है ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में। इस प्रिज्म को बोलते हैं निकोल प्रिज्म। और इसका यूज क्या है बच्चों? इसका यूज ये है कि तुम लोगों को ऑर्डिनरी लाइट है, अगर ये ऑर्डिनरी लाइट अगर तुम लोग इसमें से पास करोगे, जस्ट अ मोमेंट, ये अगर ऑर्डिनरी लाइट में यहां पे पास करूं, ये अगर ऑर्डिनरी लाइट तुम लोग इस प्रिज्म से पास करोगे बच्चों, तो जो लाइट एमर्ज होगी वहां से दूसरे साइड से, वो तुम लोग का ऑर्डिनरी नहीं रहेगा। नाउ इट विल बी अ प्लेन पोलराइज लाइट। तो क्या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग ऑर्डिनरी लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करने के लिए? वी यूज निकोल प्रिज्म, राइट? यहाँ पे निकोल प्रिज्म इस तरह से मिल जाएगा, आई मीन प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाएगा। मैं सिर्फ तीन एरोज बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तुम लोग एरोज बना सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, चल जाएगा। तो ये ऑर्डिनरी लाइट था, एक जगह से ऑर्डिनरी लाइट डाला मैंने और दूसरी जगह से प्लेन पोलराइज लाइट बन के निकलेगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम लोग, जिसको निकोल प्रिज्म बोलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट टू ऑब्टेन पीपीएल। प्लेन पोलराइज लाइट को मैं शॉर्ट में पीपीएल बोलूंगा बच्चों। समझ में आ गया बच्चों पीपीएल का फॉर्मेशन कैसे होता है? सारे बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। चलो बढ़िया, चलो बढ़िया है। तो प्लेन पोलराइज लाइट, अचानक से हम लोग केमिस्ट्री छोड़ के लाइट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? क्योंकि देर आर सम कंपाउंड्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे कंपाउंड्स ऐसे हैं बच्चों नेचर में जो ये प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की टेंडेंसी शो करते हैं, ठीक है? जब तुम लोग ऑर्डिनरी लाइट इन कंपाउंड से पास करोगे तो ये जब तुम लोग प्लेन पोलराइज लाइट इन कंपाउंड से पास करोगे तो ये प्लेन पोलराइज लाइट के प्लेन को पूरी तरह से रोटेट कर देंगे ना, थोड़ा सा कुछ एंगल से रोटेट कर देंगे, पूरी तरह से नहीं लेकिन कुछ एंगल से तो रोटेट कर ही देंगे लोग, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक मिनट, मैं तुम लोग को डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके बताता हूँ। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड
केमिकल सब्सटेंसेस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. एक मिनट. विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू सर्टेन एंगल इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. देखो यहाँ पे रोटेशन जो है क्लॉकवाइज हुआ है और यहाँ पे रोटेशन कैसा हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्या समझ में आ रही है बात बच्चों सभी को? तो और कुछ जो सब्सटेंस इस लाइट को रोटेट करता है बच्चों उस सब्सटेंस को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और इस फिनोमेनन को बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. सो व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? इट इज द फिनोमेनन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फोटोकेमिकल रिएक्शन रमीज, वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल प्रोसेस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट केमिकल प्रोसेस. ठीक है. सो देर आर मेनी कंपाउंड्स विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन. तुम लोग देख रहे हो बच्चों पहले सारे लाइट एक डिरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे थे, अभी भी एक ही डिरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन लोग का डिरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन का प्लेन जो है वो रोटेट हो गया है थोड़ा सा. कैन यू सी दैट बच्चों? सब लोग देख रहे हो यहाँ पे? क्या सब लोग कर पा रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसको राइट हैंड साइड रोटेशन भी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन भी बोलते हैं. सो व्हेन यू पास दिस प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यू विल फाइंड आउट कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की प्रॉपर्टी शो करते हैं. जो ये रोटेशन हो रहा है बच्चों, व्हेन यू पास द प्लेन पोलराइज लाइट थ्रू organic compound and if the plane of plane polarized light rotates then this phenomenon is called as optical activity and the compound that does that is called optically active compound. kya baat samajh mein aa rahi hai? optical activity aur optically active compound kya hote hain? main likh deta hu definition. optical activity ka pehle definition. so it is the phenomenon of rotation of plane polarized light through certain angle in clockwise ko main aur kya bol sakta hu right hand side or anti clockwise direction. एंटी क्लॉकवाइज को और क्या बोलेंगे बच्चों बताओ? लेफ्ट हैंड साइड रोटेशन. राइट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन पास थ्रू सर्टेन केमिकल सब्सटेंस और कंपाउंड. ठीक है. तो जब कभी भी तुम लोग एक लाइट को प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर किसी केमिकल सब्सटेंस से पास करते हो और अगर प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों? वो कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का फेनोमेना शो करते हैं. The compounds that can rotate the plane of plane polarized light को मैं PPL लिख दू बच्चों चलेगा? PPL plane of plane polarized light are called optically active compound. ठीक है. क्या बात समझ में आ गई सभी को? सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बताओ जरा. क्या लगता है बच्चों थोड़ा लॉजिक? यस द कंपाउंड दैट डजंट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट. बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी के बेसिस पे इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर जितने भी कंपाउंड है अवेलेबल टोटल ऑर्गेनिक ही नहीं इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी उनको मैं दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकता हूँ. एक वो जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट करेंगे और एक वो जो प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट नहीं करेंगे.
जो रोटेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और जो नहीं रोटेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। बिल्कुल सही, समझ में आ गया। ऑप्टिकल एक्टिविटी और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, समझ में आ गई इतनी बात? कितने बच्चों को समझ में आ गई, हाथ रेस करके बताएं। ऑप्टिकल एक्टिविटी, यस, ऑप्टिकल एक्टिविटी इट इज द फेनोमेना ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट थ्रू सर्टेन एंगल इन ईदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से या फिर किसी भी केमिकल सब्सटेंस से पास करते हो तो अगर लाइट रोटेट होता है तो वो लाइट रोटेशन के फिनोमेना को हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं, और जो कंपाउंड ये करता है उसको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। चलो बच्चों, हाथ रेस करके बताओ जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट इधर तक का समझ में आ गया, ऑर्डिनरी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये चार चीज समझ में आ गई। हाथ रेस करके बताओ जरा। सर मुझे ऑप्टिकल एक्टिविटी फिर से समझाओ। देख, प्लेन पोलराइज लाइट तो पास करा रमीज, वो मेरे बॉक्स में कंपाउंड रखा हुआ है, दिख रहा है तू इसमें से? तो तेरे को क्या दिखा यहाँ पे चेंज? लाइट रोटेट हो गया, प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट हो गया, राइट? जिस प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है वो प्लेन रोटेट हो गया कि नहीं, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में? हाँ सर। तो ये रोटेट होने वाले फेनोमेना को ही ऑप्टिकल एक्टिविटी बोलते हैं। जब तो कुछ और सर, हाँ बोल। तो फिर ऐसा कुछ नहीं कि अगर हम लोग ये पोलराइज लाइट को एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से अगर पास करेंगे तो वो सिर्फ सिर्फ लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ये दोनों नहीं रोटेट कर रहा है रमीज, या और है ये, या फिर तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? वो कंपाउंड जो क्लॉकवाइज रोटेट कराते हैं उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड बोलते हैं, और वो जो सिर्फ लेफ्ट में रोटेट करवाते हैं उसको लीवोरोटेटरी बोलते हैं, जो हम लोग ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग एक क्विक ब्रेक लेंगे, तुम लोगों को 15 मिनट्स में रिजॉइन करना है, मैं शार्प 15 मिनट्स में स्टार्ट कर दूंगा क्लास, उसके बाद अगर ज्वाइन करता है तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, समझ में आ गई बात? चलो बच्चों मिलते हैं ब्रेक के बाद, सेम लिंक पे रिजॉइन करना है सभी को।